नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ विवेक त्रिवेदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर लोकसभा से युवक कांग्रेस के सचिव श्रीवत्स शर्मा। उन्हीं से आज हम बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के जो आगामी चुनाव हैं 2023 में, जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर, और कांग्रेस की जो देश में वर्तमान स्थिति है उसको लेकर। श्रीवत्स जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि कांग्रेस पार्टी जो एक समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज मात्र कुछ राज्यों में समेट कर रह गई है, इसका सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? आज चार राज्यों में, कम से कम चार राज्यों में तो हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन देश में 29 राज्य हैं बाकी, वो भी कैप्चर हो जाएंगे धीरे धीरे। 24 नजदीक है, हवा बदल रही है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत अच्छा काम किया है, देखिए कदम कदम से हम आगे बढ़े। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी जी, उस पार्टी की चमक कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही है। कहीं पिछले टाइम में हमने देखा कि एक टाइम ऐसा आया जब बहुत ज्यादा डाउन हो गई कांग्रेस पार्टी, अभी धीरे धीरे फिर से रिवाइव कर रही है। जैसा अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीता, फिर उसके बाद कर्नाटक का चुनाव जीता, कर्नाटक में बताया बजरंग बली का आशीर्वाद बताया गया चुनाव को, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि मतलब क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर शिवराज सिंह फिर से आएंगे? कमलनाथ जी तो आ रहे हैं, शिवराज जी जा रहे हैं, ये तय है। दूसरा, बजरंग बली का आशीर्वाद हमको कर्नाटक में भी मिला, मध्य प्रदेश में भी मिला और आगामी चुनावों में भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में जैसा कि इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, जो कि मात्र 15 महीने तक चली थी, उसके बाद में सरकार गिर गई थी जी। तो क्या ऐसा 2023 में भी संभावनाएं नहीं बन सकती इसकी कि दोबारा से अगर सरकार बनती है तो दोबारा ऐसी कोई स्थिति बने या फिर से कोई पार्टी में सिंधिया जन्म ले? बिल्कुल नहीं, जिन्हें जाना था वो जा चुके हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल जी ने कहा था, जो डरते हैं, जो भगोड़े हैं, वो जा सकते हैं। तो जो गए हैं, वो डरे हुए थे, वो चले गए। अब जो नए विधायक आएंगे वो बहुत मजबूती से आएंगे और सरकार पूरे 5 साल सस्टेन करेंगे। अच्छा, जैसा 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो काफी जोर शोर से बनी थी, अच्छे नंबरों के साथ बनी थी, उसके बाद 15 महीने की टिक पाई सरकार, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? मुझे लगता है संगठन जो आज कांग्रेस पार्टी का है और तब जो था 2018 में, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। युवा नेता थे ज्योतिरादित्य जी पार्टी के, और पेशेंस चाहिए था तब उन्हें कमलनाथ जी के साथ सरकार चलाने। पर मेन मुझे कारण ये लगा कि जो वरिष्ठ वर्ग है कांग्रेस का और आज जो युवा वर्ग है, उसमें जो डिफरेंस है वो ही कारण रहा है मेन। मध्य प्रदेश में दो जो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, एक कमलनाथ, दूसरा दिग्विजय सिंह, जिनके रहते हुए भी कांग्रेस की 15 महीने में सरकार गिर गई और उसके बाद भी कांग्रेस राज्य में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है काफी लंबे समय से, तो इसका मुख्य कारण क्या लगता है आपको? जनता तक आवाज पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। मध्य प्रदेश संभाग में हर क्षेत्र कहीं भी बोलो, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कोई छोटा नाम नहीं है जी। जी जी, वो तो दिग्विजय सिंह मतलब पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वहीं कमलनाथ भी पूर्व मुख्यमंत्री अभी 15 महीने तक रहे मध्य प्रदेश के, लेकिन दिग्विजय सिंह तो पहले से भी शासन करते आ रहे हैं, तो उनको तो काफी समझ भी है राजनीति की और मुख्यमंत्री पद की भी और पूरे प्रदेश की पूरी समझ है। उसके बाद भी अगर 15 महीने में सरकार गिर रही है तो उसको किस नजर से देखा जाए? पर ये आपसी निजी राजनीति का शिकार हुई है कांग्रेस। कांग्रेस तो अपने अच्छे नंबर लाई थी, जहाँ तक मुझे ख्याल है विवेक जी 123 या 124 विधायक थे, ये जो 23 गए हैं, जितना भी मार्जिन रहा है वो आपसी राजनीति के कारण है, वरना कांग्रेस हैज परफॉर्म रियली वेल। अच्छा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे वो पहले कांग्रेस में थे जी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और उसी के जस्ट बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई मध्य प्रदेश में, तो इसकी मुख्य वजह आपके अनुसार क्या थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी जो उस समय सत्ता में भी थी उसे छोड़कर भाजपा का दामन थामा जो उस समय मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं थी, तो इसकी मुख्य वजह क्या है आपके अनुसार? बहुत ज्यादा अपेक्षा, युवा नेता की जो अपेक्षा होती है वो अच्छी है, होनी भी चाहिए। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पर अपनी आशा और अपेक्षाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। मुझे लगता है महाराज की जो अपेक्षाएं थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिन्हें कांग्रेस कई वर्षों से उनके यानी उनके जो कार्यकाल है उसमें उन्हें
पूर्ण करके दिया है उनको, पर तो भी इस बार अति महत्वाकांक्षी में एक शब्द कहूंगा सिंधिया जी के लिए, वही विषय कारण है। मध्य प्रदेश में जैसा कि देखा जाए पिछले 18 सालों से भाजपा का शासन चलता रहा है, बीच में जरूर 15 महीने के लिए कांग्रेस का शासन हुआ था जी। लेकिन बीते 18 सालों से निरंतर भाजपा का शासन चलता आ रहा है, तो क्या लगता है इस बार कमलनाथ जो है या कांग्रेस की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ आएगी या फिर भाजपा कहीं उन्हें टक्कर देगी? पूर्ण बहुमत तो 120% कांग्रेस, भाजपा टक्कर दे पाएगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने जो ये कांग्रेस ही अपने अंदर ले लिए है, जो डरे हुए थे वो हारेंगे पक्का और नंबर्स नीचे जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का अब एंटी इनकम्पल्सी का दिक्कत आएगा। जैसा कि पहले भी 15 महीने के लिए सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसके बाद गिर गई, उसका कारण कुछ भी रहा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो या आपसी मतभेद रहा हो, क्या ऐसा दोबारा ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो सकती, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी है कि पार्टी अभी काफ़ी संतुष्ट कार्यकर्ताओं से भरी हुई है, जितने भी विधायक है हमारे माननीय जीतू पटवारी जी हो या फिर कोई भी युवक कांग्रेस का पदाधिकारी जो हो, जो आज विधायक है वो कमलनाथ जी के नेतृत्व से खुश है और कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिला के मध्य प्रदेश में सरकार लाने के लिए पूरी तरह से प्रोत्साहित है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि कोई सिंधिया जन्म ले लेगा और फिर से कोई सरकार गिरने की चांसेस नहीं आएगी। अच्छा, जैसा कि अभी पिछले कुछ टाइम में देखा गया है कि भाजपा से शिवराज सिंह चौहान ने एक लाडली लक्ष्मी बहना लाडली लक्ष्मी योजना शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे जी। उसी के बाद में कमलनाथ ने एक नई योजना लॉन्च की है जो है नारी सम्मान योजना जी जी, जिसके तहत महिलाओं को 1,500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो क्या मध्य प्रदेश में पूरा चुनाव जो है नारी शक्ति को ही सेंटर में रख के लड़ा जा रहा है या फिर और भी कुछ मुद्दे हैं? नारी ही तो मुझे लगता है वो शक्ति है जो घर चलाती है। नहीं, तो वो बात सही है, तो घर भी खुश रहेगा, पूरे वोट भी वहीं पड़ेंगे। इसलिए कमलनाथ जी ने जो किया है इस योजना का उद्घाटन वो सराहनीय है और उससे पार्टी को और मध्य प्रदेश की सभी जनता को, महिला जनता हो कोई भी परिवार, सभी परिवार को अच्छा उससे मिलेगा फायदा। मुद्दा तो वो जरूरी है नारी का, इसे हम हटा नहीं सकते। लेकिन पूरा जो मुद्दा हो गया है मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव 2023 का, वो पूरा मुद्दा इसी चीज पर सेंट्रिक हो गया है, नारियों के ऊपर, नारी शक्ति के ऊपर। वो लाडली लक्ष्मी बहना योजना ला रहे हैं जी, ये नारी सम्मान योजना ला रहे जी, हैं जी। तो इन दोनों में मतलब अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या हो सकता है? उनका प्रक्रिया अलग है, काम करने का हमारा प्रक्रिया अलग है, हम जो बोलते हैं हम कर देते हैं। तो क्या बोलते हैं करते हैं? क्या कांग्रेस भाजपा के कदमों पे चलकर ये कार्य कर रही है, क्योंकि पहले तो भाजपा लाई है इस योजना को, लाडली लक्ष्मी योजना? नहीं, एक्चुअली माननीय कमलनाथ जी ने जो डाला है अभी सौसर में जो सभा थी और उन्होंने जो ऐलान किया नारी सम्मान योजना, वो बहुत अलग है और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ हम नहीं चलते। वी हैव आवर ओन मैनिफेस्टो। तो इससे पहले जब सरकार बनी थी उस टाइम पे ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, उस टाइम पे ऐसी कोई योजना नहीं लाया जिससे नारियों को कोई फायदा हो या युवाओं को कोई फायदा हो? उस टाइम पर सिर्फ एक योजना जो मुझे लगता है मुख्य रूप से आई थी कि किसानों की 2 लाख तक की कर्ज माफी। तो उस टाइम ऐसी कोई योजना क्यों नहीं? जैसे ही भाजपा इस योजना को लाती है तो उसी टाइम तुरंत इस योजना को कमलनाथ जी लाते हैं, तो इसको तो देखकर सब यही समझेंगे कि आपने भाजपा की कॉपी की है। नहीं नहीं, आपका कहना आपकी जगह ठीक है, बट 18 महीने मिले जिसमें भी हमने आते साथ सरकार बैठते साथ किसानों का कर्ज माफ किया और हम आगे करते नारी सम्मान, नारी शक्ति के लिए लड़ना कांग्रेस का आज का नहीं बहुत पुराना इतिहास रहा है। हमारी भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है और आज प्रियंका जी ने भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ दिया था नारा उत्तर प्रदेश में। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है किसी नारी किसी के हर नारी का मध्य प्रदेश में बनना, ये हमारी प्राथमिकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर की यात्रा जी, थी लगभग, तो उससे कर्नाटक के चुनाव में तो आपको फायदा मिला है जी, हिमाचल के चुनाव में भी फायदा मिला है, क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में उससे फायदा मिलेगा? 70%, क्योंकि गुजरात में तो उसका फायदा नहीं दिखा था।
उस टाइम भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, लेकिन गुजरात में उसका फायदा देखने को नहीं मिला था। राहुल जी पदयात्रा पे चले हैं, गली गली, क्षेत्र क्षेत्र, संवाद से संवाद चले, मध्य प्रदेश में चले, हर जगह चले, इंदौर चले, सभी जितना भी संभाग रहे वहाँ चले, और जहाँ जहाँ राहुल जी चले वहाँ पे उन्होंने लोगों से संवाद किया, लोगों की परेशानी जानी, लोगों से समझा है कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, और उनका आगे निचोड़ देने का उन्होंने उन्हें सोल्यूशन देने का उन्होंने वादा किया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारत जोड़ो यात्रा का 100% प्रभाव होना है मध्य प्रदेश पे, और कांग्रेस वापसी कर रही है ये पक्का मान के चले। तो इस बार हम समझ लें ये कि कांग्रेस वापसी भी करेगी और 5 साल तक शासन भी करेगी। बिल्कुल, कोई संदेह। विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी ये तो चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये थे हमारे साथ श्रीवास शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल सी टाइम्स में खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए सी टाइम्स।